हेलो एवरीवन, आज हम लंपी स्किन डिजीज की कुछ ऐसी दवाइयों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही कम खर्चे में, 500 रुपए का खर्चा भी नहीं होगा आपका, जिसके अंदर आप गौ माता के जीवन की रक्षा कर सकते हैं, जो इस बीमारी के कारण, इसमें अलग अलग जो सिम्टम्स आने के कारण, जो पशुधन का हमारा नुकसान हो रहा है देश का, जो गौ माता की जाने जा रही हैं, वो आप सबके सब बचा सकते हैं। महाराज जी की प्रेरणा से हम आपको आज ऐसी ऐसी दवाइयां बताएंगे अलग अलग स्टेजेस में, क्योंकि इसमें कई कई सिम्टम्स आ रहे हैं, अलग अलग पशुओं के अलग अलग सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसमें आपको ऐसी ऐसी दवाइयां बताएंगे जिसके साथ आप अपने पशु की रक्षा कर सकते हैं प्रभु की कृपा के साथ 10 दिन के अंदर अंदर। आज अभी आपको एक वीडियो बताएंगे, दिखाएंगे कि क्या अभी हालत है। 10 दिन के अंदर अंदर 90% तक हमारी जो गाय है वो स्वस्थ हो चुकी है, उसका खाना पीना हर चीज, सिर्फ ये छोटे छोटे स्कैब्स रह गए हैं, अभी आप वीडियो में देखेंगे। तो जैसे ही है अब ये सिर्फ स्कैब रह गए, ऑलमोस्ट सब जख्म भर चुके हैं और माइनर एक आधा होगा। ऑलमोस्ट हमारी अभी गायें जो है 80-90% तक इसके, ये देखिए आप ध्यान से देखिए, ये जो है ये सिर्फ ऐसे थोड़ा सा उठा सा एरिया है बस, लेकिन इसका जो जख्म है या वो स्कैब्स थे वो पूरे के पूरे भर चुके हैं ऑलमोस्ट। ये ऐसे इस तरीके से पकड़ी पकड़ी रह गई बस, ये ऐसे पकड़ी। हमने होम्योपैथिक मेडिसिन्स को एक एक करके सबको स्टडी किया कि गाय की अलग अलग सिचुएशन में जो जो मदद कर सकती हैं। कई आपको पता ही है आजकल होम्योपैथी की दवाइयों को बहुत इस्तेमाल करने के कारण कई गायों का बचाव भी हो रहा है, तो हम इसको चाहते हैं कि एक सही तरीके से कम इन्वेस्टमेंट में, ताकि हर इंसान इसको अफोर्ड कर सके, 500 रुपए के अंदर ही आप जितनी मर्जी गौ माता की मदद कर सकते हैं और एक भी गौ माता का नुकसान, उनकी जान का नुकसान नहीं होगा। ये जो दवाइयां हैं ये आप जिस मात्रा में आपको बताएंगे इस मात्रा में आप डालें और गौ माता को देना शुरू करें और एक भी गौ माता का नुकसान नहीं होगा। हाँ, जो ये जो बीमारी है ये कम से कम समय में ये अपने आप, हो सकता है अगर आ गई है तो वो कुछ कम से कम समय में वो चली जाएगी, ठीक हो जाएगी गौ माता। तो जो आपको दवाइयां आपको बताने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, उनको सबको नोट कीजिएगा। आप जिसको भी गौ माता को देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास दूर दूर से फोन आ रहे हैं, वहां पे अब हम हमारे लिए दवाइयां पहुंचाना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए कोशिश करें कि आप खुद ही दवाइयों को, जो हमने अलग अलग सिम्टम्स लिए, हमने हमारे जो दोस्त हैं मित्र हैं जो गौओं को ये दवाइयां अलग अलग दवाइयां दे रहे हैं, उन सिम्टम्स के हिसाब से हमने उन जो कॉमन दवाइयां आजकल काम आ रही हैं उन दवाइयों के बारे आपको बताएंगे। उन दवाइयों का यूज कीजिए और गौ माता की रक्षा कीजिए। पहली दवाई है हिपरसल्फ 200 की 10 बूंदे आपने 100 ml की, एक 100 ml की पानी की एक शीशी लीजिए, उसके अंदर 10 बूंदे हिपरसल्फ 200 की डालिए। दूसरी दवाई का नाम है आर्सेनिक एल्ब 200, इसकी भी 10 बूंदे आप 100 ml इसी बॉटल के अंदर 10 बूंदे और डालिए। तीसरी दवाई है मर्कसोल 200, इसी 100 ml की शीशी के अंदर 10 बूंदे इसकी मर्कसोल की भी डालिए। चौथी दवाई है इग्निशिया 200, इस दवाई की इसी बोतल के अंदर 10 बूंदे डालिए। पांचवी दवाई है टुबरकुलिनम बोविनम 200, इसकी भी 10 बूंदे 100 ml के अंदर डालिए। अब इस 100 ml के जो ये शीशी है इसको आप बंद करें और इसको अच्छी तरह शेक करके गौ माता को दिन में इसके 10-10 ml की सिरिंजेस लेके गौ माता के मुंह में आप डाल सकते हैं, दिन में 4 बार 5 बार 6 बार। इसी तरीके से आप एक और काम कर सकते हैं, एक स्प्रे लगा सकते हैं इस 100 ml की शीशी पे और उस स्प्रे से 3-4 बार उसके मुंह में, गौ माता के मुंह में आप स्प्रे कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन आती है कि गौ माता ने खाना ही बंद कर दिया है। होता क्या है, इसमें मुंह के अंदर अल्सरेशन आ जाती है, अल्सरेशन मतलब एक तरीके से कैसे छाले या अंदर से, तो उन अल्सरेशन से बचाने के लिए ये दवाइयां हैं जो आपको बताने जा रहे हैं। नंबर 1 आर्सेनिक 200, दूसरे मर्कसोल 200,
थर्ड है बोरेक्स 200 और चौथी है आपकी इकनेशिया 200। इन सब दवाइयों को आप 10-10 बूंदे 100 ml की शीशी के अंदर आप इसके डालिए और इसी तरीके से आप ऐसे 10 बार मार के जिस जिस पशु को खाने में दिक्कत है या उसके मुंह में अल्सरेशन है उसके लिए ये दवाई आप दे सकते हैं। तीसरी कंडीशन है कि पशु को वैसे तो वह स्वस्थ है बस खा नहीं रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करें, होम्योपैथी का एक सिरप आता है अल्फा अल्फा सिरप, वो अल्फा अल्फा सिरप जो है आप अलग अलग कंपनीज के आते हैं पशुओं के लिए भी अलग आते हैं, उस अल्फा अल्फा सिरप को पशु को दिन में 3 बार 2 बार 3 बार दीजिए, आप देखेंगे कुछ समय में ही पशु की जो भूख है वो ठीक होने लग जाएगी। आपने देखा होगा कि बाद के स्टेजेस में गौ माता के शरीर पे जो जख्म बन जाते हैं, अब उन जख्मों का क्या करना है, आप क्या करें, एक 1 लीटर की बोतल लें उसके अंदर आधा पानी भर लें, इसके अंदर थोड़ा सा गौमूत्र डालें, इसमें 50 ml इग्नेशिया मदर नेचर डालें, 50 ml कुरकुमा लौंगा जो कि हल्दी की से बनी दवाई है उसकी 50 ml डालें, इसमें 50 ml थुजा मदर नेचर ऐड करें, इससे क्या होगा, एक तो जख्म जल्दी जल्दी भर जाएंगे, दूसरी बात है जो गांठे बनी है शरीर पर गौ माता के वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और गौ माता के जो ऊपर वाले जो जख्म है ये सब ठीक हो जाएंगे। इसको आप डाइल्यूट करके दीजिएगा, अगर आप ऐसे देंगे तो आप पानी बिना पानी के देंगे तो फिर उसको माता को और जलन होगी, तो इसलिए जो सुपरफिशियल जख्म है इसमें कुछ ऊटपटांग ना लगाए, कोई एंटीबायोटिक वगैरह कुछ ना दे, उसके ऊपर ये स्प्रे करें दिन में 2 बार 3 बार और इससे ठीक होगा। अब कुछ लोग कहते हैं गौ माता कुछ खा नहीं रही है, तो हमने जो प्रैक्टिकली ये देखा है गौ माता को आप घिया दे सकते हैं, घिया आजकल सस्ती भी मिलती है, घिया को आप काट के छोटा छोटा काट के नरम भी होती है वो आप गौ माता को दे सकते हैं, कोई फल ऐसा मिलता है अगर नरम है उसको आप गौ माता को थोड़ा बहुत दे सकते हैं, लेकिन घिया बहुत आराम से खाती है, तो आप ये दीजिए। चोकर दीजिए, चोकर में आप थोड़ा सा डालडा घी मिला के दे सकते हैं गौ माता को, वो बहुत मददगार रहेगा। एक आप नीम की पत्तियां गौ माता को दिन में 3-4 बार दीजिए, नीम की पत्तियां जो है आपको पता है एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल एंटीफंगल होती हैं, तो आपको गौ माता जब आप गौ माता को नीम की पत्तियां देंगे तो गौ माता और जल्दी रिकवर करेंगी, तो इसलिए ये कुछ दवाइयां हैं जो आप बेझिझक आप गौ माता को दे सकते हैं, चाहे उसको डायरेक्ट स्प्रे करें या फिर आप उनको सीरिंज के थ्रू दें, जैसे आपको ठीक लगे उस तरीके दे सकते हैं। 500 रुपए के अंदर अंदर आप गौ माता की ऐसी सेवा कर सकते हैं कि एक भी पशु का नुकसान नहीं होगा, एक भी पशु का नुकसान नहीं होगा 500 रुपए के अंदर अंदर। ये जो आपको स्प्रे बताया इसका भी खर्चा बहुत ज्यादा खास नहीं आएगा, इसका भी आपका 100-200-300 रुपए का आपका आएगा, हाँ बड़ी बोतल लेके आएंगे थोड़ा सा महंगी पड़ेगी, तो वो ज्यादा पशुओं के लिए है। जो आपको दवाइयां लिख के दी है ये आप अच्छी कंपनी की किसी SBL या शॉबे इसी तरीके की किसी कंपनी की लीजिए ताकि उनकी जो इफेक्टिवनेस है उतनी ज्यादा हो, ताकि गौ माता को उतना ज्यादा मदद की जा सके। ये जो दवाइयां हैं गौ माता को इन्फेक्शन से भी बचाएंगी और अगर किसी को ये रोग हो गया है उसको जो कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है वो भी बहुत कम हो जाएगा। अगर गौ माता ने सपोज करो कि ज्यादा देर के लिए बीमार है तो बहुत कम बहुत जल्दी माता रानी ठीक हो जाएंगी। इन दवाइयों से एक तो कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगी, जो गौ माता को आज नुकसान हो रहा है जीवन का अलग अलग कारणों से वो सब कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे, दूसरी बात भूख में उनको मदद मिलेगी। जो ये इलनेस ज्यादा दिन तक चलती है, जो बीमारी है बहुत देर तक चलती है, ये कम दिनों में ठीक हो जाएगी बहुत जल्दी, और किसी भी भाई के पशुधन का कोई नुकसान नहीं होगा। तो कृपया करके इन दवाइयों का आप सेवन कर सकते हैं, ये बिल्कुल सेफ है, इनका कोई नुकसान नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है जी, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप बेझिझक होकर इन दवाइयों को इस्तेमाल कर सकते हैं और कृपया गौ माता को ऐसे ना छोड़े। अब हम गौ माताओं को हमारी जरूरत है, मालिक देख रहा, जन्माष्टमी का दिवस है आज, कृपया करके गौ माता की आप सेवा करें, गौ माता को ऐसे ना छोड़े, आप ये दवाइयों का सेवन करें। कई लोग फेक चीजें बताते हैं, मैं आपको कोई इसमें कोई भी फेक चीज आपको नहीं बताई है, इन दवाइयों को आप सेवन करेंगे अगर आपको 10 ml से नहीं आराम मिलता 15 ml कर दीजिए, इसकी क्वांटिटी जो आप सीरिंज में दे रही है वो आप 15 ml भी दे सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि उतना रिजल्ट है तो इसकी 15 ml भी दे सकते हैं आप, 100 ml के अंदर डाल के जो दवाइयां हैं इसकी 15 ml भी दे सकते हैं दिन में 3 बार 4 बार, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं आएगा। जो आज इतने इतने खर्चा
आप लोगों का आ रहा है, इसमें कोई इसमें खर्चा बहुत खास नहीं है, 500-600 रुपए में आपका सारा इलाज हो जाएगा। इवन एक ही गाय का नहीं, आपके कई गायों का इसमें इलाज हो जाएगा। तो कृपया करके इन दवाइयों को इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चीज के बारे में बताएं। देखिए हमसे इस कंडीशन में चुप नहीं बैठा गया, तो इसलिए प्रभु की प्रेरणा से, क्योंकि करने वाले प्रभु ही हैं सब, उनकी प्रेरणा से आपको ये दवाइयों के बारे में बता रहे हैं। तो प्लीज इनको आप इस्तेमाल कीजिए और गौ माता की रक्षा कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता, ओम श्री आशुतोष शर्मा।